बिल्कुल चीजी है। ये एक नॉनवेज समोसा है, इसके अंदर चिकन फील्ड है। ओ भाई, इसको रील्स में तो आपने बहुत देखा होगा कि इसकी पूरी लेयर क्रंची है। हेलो गाइस, दिस इज अजय, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम वो फूड आइटम्स खाने वाले हैं जो मैं बहुत टाइम से खाना चाह रहा था। सो फाइनली आज मैंने वो सारे मंगा लिए, अब मुझसे बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा है। तो लेते हैं खाने के मजे भी अजय, और जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपनी कोक के साथ। तो गाइस शुरुआत करते हैं, ये है ऑनियन रिंग्स, ये मैं बहुत टाइम से खाना चाह रहा था। बहुत ज्यादा क्रंची है, ओ भाई एकदम क्रंची हो रहे हैं, और जैसे इसको थोड़ा च्यू करो एकदम से ऑनियन का टेस्ट आता है। ये देखिए बाहर की इसकी पूरी लेयर क्रंची है। ये देखिए प्याज डाला हुआ है अंदर, सॉस के साथ ट्राई करते हैं। चिली सॉस है ये। बेहतरीन टेस्ट हो रहा है भाई इसका, मेरी एक्सपेक्टेशन से बेटर हो रही है। एक नंबर भाई। सो गाइस अब खाते हैं, यह है मैक्सिकन चीज सरप्राइज, देखते हैं कैसा होता है ये। ये देखिए, ओ भाई ये देखिए चीज पुल इसमें, ओ भाई खत्म ही नहीं हो रहा है। तो देखते हैं कैसा होता है। बहुत गजब टेस्ट आ रहा है इसमें से चीज का। आहा, मजा आ गया भाई। ये एक्चुअल में ब्रेड रोल ही है, इसके अंदर चीज एंड कॉर्न भरा हुआ है। ये देखिए इसके अंदर चीज और कॉर्न को फिल करा हुआ है। भाई अगर आप चीज लवर हो ना, जन्नत है आपके लिए। केचप के साथ देखते हैं। इसको गर्मा गर्म ही खत्म कर लेते हैं, बाद में चीज जम जाएगा तो मजा नहीं आएगा। चीज, कैप्सिकम, ऑनियन और स्वीट कॉर्न भर रखा है इसके अंदर। और ज्यादा ऑयली भी नहीं है। मेरा तो दिल आ गया भाई ये चीज पुल देख के। सो गाइस आप खाते हैं, यह है पोटैटो टॉर्नेडो। इसको रील्स में तो आपने बहुत देखा होगा, तो देखते हैं एक्चुअल में होता कैसा है। टेस्ट अच्छा हो रहा है इसका, इसमें तंदूरी मेयो भी डाल रखी है इन्होंने। हम्म,
थोड़ा चीजी फ्राइज से मिलता जुलता टेस्ट आ रहा है इसमें से। सो गाइज आप टेस्ट करते हैं वो जिससे मेरी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। ये है ईरानी समोसा, ये एक नॉनवेज समोसा है, इसके अंदर चिकन फील्ड है, तो देखते हैं कैसा टेस्ट आता है। ये देखिए अच्छे से चिकन भर रखा है अंदर। बहुत ही थिन लेयर है इसके बाहर, समोसे जैसी मोटी लेयर नहीं है, बहुत गजब। हाय कसम से मजा आ गया भाई। इसको टेस्ट करते हैं हरी चटनी के साथ। ये देखिए जरा, बहुत ज्यादा स्पाइसी चटनी है भाई। सो गाइज आप ट्राई करते हैं मैक एंड चीज, ये भी मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाला हूं। बट ये तो बहुत जम चुका है। मैक्रोनी के ऊपर मोज़रेला चीज डाल के पका रखा है इसे। ऊपर ऊपर से टाइट हो गया, अंदर से बहुत ज्यादा चीजी हो रहा है। फर्स्ट इंप्रेशन बहुत गंदा पड़ा था इस पे, अंदर से बिल्कुल चीजी है। बेहतरीन हो रहा है भाई। गार्लिक ब्रेड भी दे रही है इसके साथ। गार्लिक ब्रेड नहीं है, जस्ट चीज लगा के दे रखा है ब्रेड के ऊपर। गाइज ये है नॉन वेज मैक्सिकन डिम सिम, तो देखते हैं कैसा होता है ये। गाइज ये देखिए इसके ऊपर से पूरा मेल्टेड चीज है जो कि अब जम चुका है, तो देखते हैं कैसा होता है। टेस्ट तो गजब आ रहा है भाई, बड़े बड़े मोमोज के पीस हैं। बहुत ज्यादा चीजी हो रहा है। बट मुझे लग रहा है शायद इन्होंने वेज दे दिया मेरे को। वेज ही है क्योंकि मेरे को सोयाबीन की बड़ी दिख रही है इधर, पर फिर भी बेहतरीन हो रहा है भाई। ये देखिए कुछ ऐसी फीलिंग है इसके अंदर, हरी मिर्च भी डाल रही है भाई, स्पाइसी हो रहे हैं। लाजवाब एकदम, इनको फिनिश ही कर लेते हैं वरना फिर जम जाएगा। सालसा सॉस का ना एकदम चटपटा टेस्ट आ रहा है इसमें से। थोड़ा टैंगी सा टेस्ट आ रहा, अब मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है कि चिकन वाले कैसे होते भाई। सो गाइस शॉर्ट आउट का टाइम आ चुका है, मेरी लास्ट वीडियो में फर्स्ट कमेंट था इनका, और जो बेस्ट कमेंट्स होंगे वो मैं स्क्रीन पे डालूंगा।
थैंक यू सो मच गाइज, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। तो अब खाते हैं चीज एंड कॉर्न ग्रिल्ड सैंडविच। ये देखिए कुछ ऐसा है, देखते हैं कैसा होता है। बढ़िया फीलिंग कर रही है भाई। आज ना मुझे चीज की क्रेविंग हो रही थी, तो जितनी भी चीजों में चीज आ रहा था ना, मैं सब ऑर्डर किए जा रहा था। ये देखिए स्पिनच और कॉर्न की फीलिंग। चीजें फटाफट खत्म करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है एंड में, और हालत खराब मेरी होती है एडिटिंग करने में। छटपटा है भाई, तंदूरी मेवों का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है इसमें से। तंदूरी मेवा अच्छे से डाल रखी है इसमें। आज जो मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट लगा है वो ये ईरानी समोसा ही है। पता है इसकी जो लेयर है ना, पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें वो लेयर चढ़ी होगी, बिल्कुल टेस्ट नहीं आ रहा उसका, बस एक क्रंच आ रहा है, बाकी सारा टेस्ट इसमें चिकन का आ रहा है। ऐसा कुछ मैंने अपनी लाइफ में टेस्ट नहीं किया। नेक्स्ट लेवल चीज है भाई ये। ऑनियन रिंग्स खाते हैं। इनको भी मारना पड़ेगा भाई, अब तक सौगी नहीं हुई है। ये और ईरानी समोसा जरूर ट्राई करना आप। खत्म ही करते हैं इसको। देखिए ऐसे ऑनियन रिंग को कोट करके फ्राई कर रखा है। तो गाइज ये है चीजी फ्राइज, देखते हैं ये कैसे हो रहे हैं। जम चुका है तो नॉर्मली टेस्ट हो रहा है इसका, इसमें इन्होंने कोई सॉस का यूज नहीं किया, बस नॉर्मल फ्राइज के ऊपर चीज डाल के बेक कर रहा है। ये देखिए कुछ फ्लेवर ही नहीं है इसमें, जस्ट नॉर्मल फ्राई का टेस्ट आ रहा है और चीज का टेस्ट आ रहा है। ये लगा था बर्गर किंग या मैकडी जैसे फ्राइज आएंगे, ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। मैक एंड चीज ही टेस्ट करते हैं। ये हो रहा है भाई बढ़िया, एकदम जबरदस्त। क्या खुशबू आ रही है इसमें से चीज की।
मजा आ गया भाई। नॉर्मल चीज़ी पास्ता से बहुत डिफरेंट टेस्ट था इसका। सैंडविच खाते हैं। तो आप खाते हैं आज का बेस्ट ईरानी समोसा। इसका जो क्रंच आ रहा है ना, मुझे उसी से प्यार हो जा रहा है। बेहतरीन भाई। सो गाइज, इसको मैं बाद में गरम करके खाऊंगा क्योंकि अभी ये पूरा जम चुका है। तो सो गाइज, आप खाते हैं आज की स्पेशल डिश जिसकी वजह से ये सारी चीजें ऑर्डर हुई है। आज मैंने सिर्फ पैनकेक सर्च किया था। ये देखिए, ये है पैनकेक। थोड़ा हनी डाल लेते हैं इसमें। क्या गजब लग रहा है दिखने में। इसके ऊपर से इन्होंने ये व्हिप्ड क्रीम दे रखी है। सो गाइज, ये है बनाना पैनकेक। देखते हैं कैसा होता है। अल्टीमेट भाई, अल्टीमेट। क्रीम के साथ बहुत अल्टीमेट टेस्ट आ रहा है। बनाना का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसमें से, और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो रहा है ये। भाई बढ़िया चीज है ये, और साथ के साथ हेल्दी भी होती है शायद। एक बड़ी बाइट लेते हैं। बहुत ज्यादा गजब चीज है। थोड़ा हनी और डालते हैं। ये देखिए, बनाना भी काट के डाल रखा है इसमें। फाइनल बाइट होने वाली है। नेक्स्ट लेवल भाई। सो गाइज, इसको मैं बाद में एंजॉय करूंगा, अभी बहुत ज्यादा फुल हो चुका हूं मैं। सो गाइज, मजा आ गया आज के वीडियो में। आज के मेन्यू में से आपको कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताना। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।